हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 12:23। तो थोड़ी देर पहले मैं उठा था, तो अब जल्दी चलते हैं, जल्दी से नहाता हूँ पहले तो, बिकॉज बालों में तेल ही तेल हो रहा है, जो कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा। और अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आज बिल्कुल एनर्जेटिक होकर हम ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल तो घर में अभी कोई है नहीं, सारे मार्केट गए हैं, पीयूष स्कूल गया है, कह के गए थे कि ध्यान रखियो। तो चलो अभी फिलहाल मैं नहाता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। मेरे पास सभी मम्मियों के लिए ना एक ट्रिक है, अगर आपके बच्चे नहाते नहीं है ना सुबह उठ के, तो आप रात को उनके सिर में तेल डाल दो, चंपी चुंपी कर दो, अच्छे से तेल ठोक दो, फिर सुबह नहाना ही पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बाय द वे, नहा लिया, सोच रहा हूँ खाने में मैं फ्रूट्स खा लेता हूँ, नारियल पानी भी है और एप्पल भी है। बाकी और जो मेन खाना है वो मैं सबके आने के बाद सबके साथ में खाएंगे। तो ऊपर से कहाँ से आ रहा है? गेट क्यों खोल रहे? ताला लगा हुआ है। तो खोल के ले, बोलता खोलने के लिए। 10 बार खटका है, कितने देर से खड़ा था मैं वहाँ। और देखना गाइस कितना देर है। क्या है ये, देखियो। ऐश करो यार, क्या है यार, ऐश करो। नीचे है, लाओ मेरे को दे दो। दे देना एक बड़ा सा, दे दे थोड़ा सा, एक बड़ा सा। हाँ ये दे। पीयूष आ गया स्कूल से, आज का सेकंड डे था स्कूल में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पढ़ाई के बारे में तो पूछना ही नहीं, जैसे कि इसने बोला था कि लास्ट ब्लॉग में पढ़ाई के बारे में तो पूछो ही मत। और ये ऊपर से आया कूद के, उनकी छत से, पड़ोसियों की छत से कूद के फिर आया यहाँ पे। नीचे मम्मी जी ताला लगा के गए हैं ना, खटकाता ना, 10 बार खटकाया, झूठ मत बोल। और ये भौंकने लगे, वो नहीं सुना आपने? अच्छा देखा था फिर मैंने, वो तो मेरे को लगा कौन बच्चा है वो, अच्छा देखा था मैंने, मुझे लगा तू है, मैंने पहचाना नहीं तू है, कोई छोटा सा बच्चा लग रहा था, बिल्कुल छोटा सा। अच्छा नहीं, छोटा ही है ये तो, कैमरे में और छोटा लग रहा था, इतना इत्तू सा बच्चा लग रहा था। मेरे को ना गाइस दिल्ली जाना है कुछ कैमरा एक्सेसरीज और बाइक एक्सेसरीज लेने के लिए, बट मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ कि जाऊँगा, सुबह लेट उठ जाता हूँ, तो मैं उसी दिन जाऊँगा जिस दिन मैं सुबह 5 या 6 बजे उठ जाऊँगा, ताकि सुबह सुबह बस में निकल के जाके एक दिन वहाँ रुक के, 1-2 दिन रुक के फिर आऊँगा। मैं पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, तो दिल्ली तो मैं हर महीने में 2-3 बार जाता रहता था, बहुत मन करता है दिल्ली जाने का। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हर वीडियो में कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि आपका प्ले बटन कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया, और आपकी कार कब डिलीवर होगी। सबसे पहले प्ले बटन के बारे में बात करूँ तो मैं, प्ले बटन आ चुका है, मतलब 15 दिन हो गए वो दिल्ली अटका पड़ा है, पता नहीं क्यों अटका पड़ा है, मैं कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पा रहा उनसे जहाँ पर वो प्ले बटन है, तो देखते हैं जो भी होगा। और अगर कार की बात करूँ तो कार शोरूम वालों ने बोला था कि 20 या 21 तक आ जाएगी आपकी, आज 22 तारीख हो चुकी है, अब वो 25 का नाम ले रहे हैं, तो क्या पता 25 को आएगी, क्या पता उसके बाद आएगी, वो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको नहीं बता सकता, बिकॉज जब शोरूम पे आएगी तभी हम ला पाएंगे। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले 2 मिलियन हो जाएंगे, हाँ 2 मिलियन पहले हो जाएंगे हमारे कार से पहले, तो 2 मिलियन पे वो स्पेशल वीडियो होगी हमारी कार की अनबॉक्सिंग वाली ना। अनबॉक्सिंग? हाँ अनबॉक्सिंग करेंगे कार की। अनबॉक्सिंग कैसे होती है कार की? डब्बे में होगी कार? अरे अपन करेंगे अनबॉक्सिंग। कैसे, वो सीटों की पन्नी निकालोगे? ना पन्नी नहीं निकालनी सीटों की। क्यों? पन्नी कभी नहीं निकालनी भाई, पन्नी तभी तो लगेगी, नई कार है पागल है तू। नहीं तो उसके आगे रिबन होगा। अरे तू जो भी करेगा, कार तो आने दे पहले। तो अभी मैं जाता हूँ बैंक में, कुछ इम्पोर्टेंट काम है बैंक के, वो करके आता हूँ। फैमिली भी आ चुकी है मार्केट से। ये क्या ले आए? कंबल। ये देखना, आते ही इसमें मुंह मारने लग गया। ये देखो ये क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए? अच्छा यही लेने गए थे बस, इतना टाइम लगा दिया। अभी ओनली चाचा जी आए हैं, बिकॉज बाइक में इतने जने नहीं आ सकते ना, तो साहिल वापस गया मम्मी को लेने और पापा जी को लेने, शायद दोनों को एक साथ ले आएगा, या फिर 3 चक्कर लगेंगे, ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। मम्मी जी एंड पापा जी भी आ चुके हैं, एंड देखो क्या लाए हैं, गरम गरम जलेबी, जो कि मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ एक पीस पसंद है, क्योंकि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, खाएंगे लेकिन। तो अभी लंच टाइम है, लंच में हमारे पास दाल और चावल खाते हैं, उसके बाद बैंक का काम करके आता हूँ मैं। तो बैंक वगैरह का काम मैं करके आ चुका हूँ। और एक और चीज़, अभी मैं टेबल देखने गया था अपने स्टूडियो के लिए, एक टेबल चाहिए ना, गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए। मम्मी जी एक सोफ़ा पसंद आया, इतना प्यारा सोफ़ा था यार, पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं लेना। अरे मैं वैसे मना नहीं किया, ओरियो ना नाखून मार के फाड़ देगा। हाँ इतना थोड़ा नाजुक सोफा है, लेकिन लुक वाइज इतना प्यारा लग रहा था ना, वाइट सोफा था, पूरा लेदर का था, अगर और उन्होंने एक नाखून मार दिया ना तो फट जाएगा वो। गाजर ऐसे की काट रहा है, अचार गाजर का अचार। तो मम्मी जी मेरे को तो वो सोफा लेना था यार, कैसे लूंगा अब मैं? मम्मी मेरे लिए लाए हो क्या? चलो बढ़िया है, आज से नया कंबल ओढ़ेंगे रात को। वो ये थैली को फाड़ी हो मत, काम आएगी, अच्छी है। थैंक यू मम्मी सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ आ गई, पसंद आ गई, आपकी लाई हुई चीज पसंद। ओहो पिलो भी लाए हो, पहली बार पिलो खरीद रहे हो ना? लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने पिलो खरीदे हैं। वैसे क्या करते हैं? यूजुअली मम्मी खुद बनाती थी, उसके अंदर कपड़े में डाल के, पुराने कपड़े डाल के या फिर रुई डाल के खुद बनाती थी मम्मी। ये वाला मेरा, मम्मी सॉफ्ट है काफी, जो घर में बनाते हैं वो सॉफ्ट नहीं होते ना। ये वाला मेरा।
उसके अंदर कपड़े भरे होते हैं ना, टाइट टाइट। मैं तो जब होटल में जाता हूँ ना वहाँ पे होते हैं ऐसे। भाई ये क्या करके आया, कि बोरी बिस्तर ऐसा लग रहा है। और यो आज तो नया कंबल आ गया, नया कंबल ओढ़ के सो गए, ये क्या कर रहा है, ये क्या डिजाइन बहुत प्यारा लग रहा है यार। तो गाइस मेरा एक बहुत बड़ा पोपट हो चुका है। ये जो मेरा बेड है ये सिंगल बेड है छोटा सा, और जो वो मम्मी कंबल आई ओढ़ने के लिए वो डबल बेड का है काफी बड़ा, तो इसके ऊपर वो नहीं आ पाएगा। तो मुझे ये छोटे चुन्नू मुन्नू से ये वाले ही बिस्तर ओढ़ने पड़ेंगे। और मेरे को डबल बेड तो पसंद नहीं है, मेरे को ये छोटा सा ही पसंद है, सोने के लिए चाहिए अपना तो स्टूडियो है मेन तो। हाँ कवर अच्छा लग रहा है यार, प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे बेड के लिए नहीं है। तो अब हम खेलेंगे क्रिकेट अपनी इसी छत पे, ये गली में तो खड़ी है गाड़ी। चल स्लो मोशन करो, स्लो मोशन। तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक तो है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तेरा बैट नहीं, मेरा बैट नहीं है। पीछे टूट गया देख, पीछे देख, यहाँ से टूट गया देख, ये देख यहाँ से देख, चल पहले से यहाँ से क्रैक आ गया, क्रैक तो गाइस देखो यहाँ पे हत्थे में क्रैक आ चुका है, देख पीसी। पहले से था ये ना? नहीं तो पहले से। पहले से था, कह रहा हूँ जब। भाई नकली बैट है ये, असली नहीं है ये, छोड़ दे खेलेंगे हम। MRF कोई कंपनी नहीं है, लोग कमेंट कर रहे थे उस दिन। MRF टायर की कंपनी है, बैट की कंपनी नहीं है। हमको लगता था MRF का बैट होता है, नहीं होता, वो MRF का स्पॉन्सर है विराट कोहली, इसीलिए वो अपने बैट पे लगाता है। बैट की कोई कंपनी नहीं होती, टोन होती है, टोन होती है, जो भी होती होगी, लेकिन ये ओरिजिनल ओरिजिनल नहीं है, लोकल। नहीं यार पागल हो गया भाई, एक बार पक्का अब की बार। अच्छा सुनो, मैं रोने लग जाऊंगा। ये है बॉय, भाई साहब साफ सफाई, भाई अपना बैट तो अपना होता है, चाहे हमारा को किसी का हो। साफ सफाई क्यों कर रहा है, अभी गंदा ही होना ही है। बारिश के मौसम में खेलता था ना, छापे पड़ गए इस पे बॉल के। तो गाइस एक बात बतानी थी, देखो कितनी प्यारे प्यारे फूल हैं, इस बात पे लाइक कर देना। इनको बॉल तो मिल रही थी, खेलेंगे पता नहीं कब ये। चलो फिर करो स्टार्ट। ओ गया भाई, नहीं आ रही यहां से क्लैरिटी। भैया अगर बॉल लगे इस पे मशीन पे ऊपर ही लेवल नीचे आएगा ना भाई, फिर तो मैं नहीं रख रहा यहां भी। भाई क्या कर रहे हो तुम, ये ये जगह, ओ यहां से फूल भी दिख रहे हैं, इसी बात पे लाइक कर देना। ओए हां यार ना भाई, ना ना अरे नहीं मारेगा ना, इधर भी रखना भाई। भाई फोन अगर क्या बॉल लगी ना सीधा उधर प्लॉट में जाएगी ना भाई, ना ना इतना रिस्क नहीं ले सकते भाई। एक बॉल के चक्कर में इसके ऊपर रखा था, इसके ऊपर रख के बोलना अलग बात है और खेलना अलग बात है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर भी बॉल लगी ना हल्की सी तो नीचे जाएगा कैमरा सीधा, उधर उधर बॉल नहीं लगेगी, उधर ज्यादा बॉल लगेगी सीधा। ले यार ट्राइपॉड ही लगा देते। अब ये एंगल ठीक है, मैंने ट्राइपॉड पे सेट कर दिया है, इस पे लगेगा तो कोई टेंशन नहीं, गिर जाएगा लेकिन उस साइड तो नहीं गिरेगा ना। सुन ले वन टिप भी है, वन टिप भी है, सुन ले नहीं है, छोटी सी वन टिप है, कितनी छोटी पिच है, पीछे आओ जाना, आउट नीचे गई बाहर गई, कहीं भी आ गई आउट, नीचे गई बाहर गई कहीं भी गई आउट, पता है आप भी आउट हो गए। पहली बैटिंग में ही बॉल सामने वाले घर में चली गई थी। साहिल कितना स्वीट है, मेरे को सेकंड बैटिंग दे, देख लो और ये वो ऊपर वाली छत में बेच दिया है, बस वो अब नीचे ना आए क्योंकि हम खेल रहे हैं। भाई बहुत चालू है, उसको पता है हम खेल रहे हैं। तो वो रही बॉल, आपको दिख रही है ग्रीन कलर की वहां पे वो भाई, सबसे ज्यादा तो ये मजे ले रहा है खेलने के, मतलब ओरियो जैसे कैच कर रहे हैं, जैसे बॉल टप्पा खा रहे हैं, टप्पा खाते ही मुंह में कैच कर रहा है एकदम से। वोरी वोरी कैच कराइए मेरे को। ओ भाई मेरे को मैं कर रहा हूँ, साइल आगे आने से पहले तेरे को आउट कर देता हूँ। वन टिप करे, वन टिप, वन टिप, वन टिप आउट हो गया भाई, वन टिप आउट हो गया भाई, ऐसी हरकतें मत कर। तो भाई साइल नहीं आए थे तो मैं क्या करूँ, आउट हो गया। वन टिप चांस नहीं मिलेगा भाई ऐसे, बैटिंग तो मेरी है। कह रहे क्या कर रहा है ये, बॉल दे हमारी, मैं लेता हूँ ना ना ऊपर रह, ऊपर रह, नीचे नहीं, नीचे नहीं, और यो ऊपर ही रह, नीचे नहीं, और यो ये देखो ऊपर से क्यों आ रहे हैं, घूमने में आए, कब से ऊपर ही आए। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठ के आग सेक रहे हैं सभी के सभी, अभी तक मम्मी का बुलावा नहीं आया खाने के लिए, मम्मी का बुलावा आएगा तो उसके बाद सभी जाएंगे खाना खाने के लिए, बाकी सब यहीं बैठे हैं मम्मी जी को छोड़ के, मम्मी जी को अकेला छोड़ दिया यहाँ पे देखो खाना बनाने के लिए, बाकी ऊपर सब बैठे आराम से।
आग में ना। कोई बात नहीं, मैं आ गया। मेरे कमर में दर्द हो रही यार बहुत। मैक्रोनी थोड़ी बहुत मैं भी खा लूंगा और साथ में रोटी खाएंगे। तो अभी सारे डिनर कर रहे थे और इतना बड़ा पोपट हो गया कि साहिल ने ये तकिया दिखाई, ये जो नया पिलो मम्मी जी आज लाई है, इधर दिखा, ये देखो इस पे सब्जी लगा दी है पूरी, ये देखो नए पिलो पे, और बहुत डांट खाई है इसने, दाग क्या भी निकले गए, इसने ऐसे फेंका नीचे, मम्मी पापा जी खा रहे हैं, सब्जी में गया सीधा। मतलब कैसा है यार ये, ओरियो को मार रहा है तकिए से। हाँ तकिए से ओरियो को मार रहे, ले ओरियो हट गया तकिए नीचे, ओरियो मारो ओरियो हट गया। तो गाइस अपन तो भाग लेते हैं यहाँ से, कल भी ऐसी लड़ाई हुई थी, मैं भाग गया था, यहाँ से भागना पड़ रहा है, यहाँ से एडिटिंग वगैरह करूंगा, खाली लड़ाई अपना करो, लड़ाई अपना ठीक है दादाजी, अपना करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इन दोनों को डांटो, मुझे मत डांटो आप, मैं तो जा रहा हूँ, बाय। ओरियो को भेज दियो ऊपर, कोई बात नहीं, और ये बाद में आ जाएगा, हम तो चलते हैं ऊपर। ये देखो ले आए पापा जी, कहाँ से बिस्तर, यहीं पर रख दो ऊपर, यहीं सोता है, यहाँ रख दो, तो ट्राइपॉड हटा लो, रख दो, यहीं सोता है, सो जा ओली मेरी, चलो ठीक है। आज मम्मी नहीं आया, आज मम्मी बोली मैं तो कमर दर्द हो रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेस्ट करने तो कोई नहीं, सुबह मुझे उठा देना 8-9 बजे। तो गाइस फिलहाल मैं स्लो करता हूँ एंड कल सुबह जल्दी उठना, बिकॉज कहीं कल हम जाने वाले हैं कहीं स्पेशल चीज़ जगह पे घूमने के लिए, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में चल जाएगा पता, प्यूसर मैसेज आ जाएंगे, जो भी रहेगा आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चलो लेते हैं स्लो मोशन। अरे यार पीपी तो बंद कर दे, स्लो मोशन लेने दे भाई, इसको पता नहीं क्या मजा आता है पीपी करने में, इसको लगता है इसके अंदर से कुछ है, आवाज आती है ना, ढूंढता रहे तू अपना।